अनुभूति प्रस्तुत करती है अपना नाटक। अनंत पांडे की शक्ल की कहानी, कुर्सी का बैग हुआ, फिर लो बता। टीडीएस में पड़ी रेड फॉर द चांदनी का सेलिंग प्राइस है। दीपिका का ही लहंगा लेने रे भी बोले दूल्हा ना। और किसान के पैसे बड़े दूर में गिला प्याज है। चेन ऑफ मिडल मैन इज नॉट जस्ट अ चेन एनीमोर,
in the absence of proper regulation, it has transformed into a huge mafia. एक ऐसा माफिया जो किसान की 80% कमाई तो यही खा जाता है, और हम हमें लगता है कि हम इन सब चीजों से बहुत दूर हैं। तो फिर नुकसान हुआ किसका? हमारा, या उस किसान का जिसको अपनी उगाई भी फसल नसीब नहीं होती? बापू, हमको भी सिखा दो ना एक काम। तुम हम लोग पढ़ाई पर ध्यान दो ना किसान, हम ये सब देख लेंगे। भाई बापू, वो बड़े साहब के खेत में माँ के सारे काम हम ही तो करते हैं और हम सब सीख लिए। इतना आसान नहीं होता ये सब किसान। अच्छा चलो हम समझाते हैं। मान लो ये जो काग पकौड़ा है ना, ये हमारा खेत है, अब इसको तैयार करने के लिए जाओ बड़े साहब के यहाँ से सामान लेकर आओ। जी बापू, अभी अब क्या
चाहते हैं। यही लगता है ना हमें कि इस देश में किसानों के लिए बहुत पॉलिसीज, बहुत सहूलियतें हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि आज उनकी पहचान सिर्फ दो चीजों में कैद है, एक खुदकुशी के आंकड़े तो एक वोटों के आंकड़े। और तभी हमें नहीं दिखती उनकी हालत, उनकी भूख और ये लाइनें जो पिछले 70 सालों से यूं लगती आ रही है और न जाने कब तक यूं ही लगती रहेंगी। इतनी क्या जल्दी है तुम्हें, इतने सालों से आ रहे हो, एक दिन और सही, पहला जाना देख लेंगे। ओ, अरे जल्दी आओ ना, हम बापू के आने से पहले ही तुम खेत में लगा देंगे और कितना खुश हो जाएंगे वो ही देखकर। अम्मा, पिछले 17 साल से खेती कर रहे हैं। बचपन में जब बापू खेत में हाथ बटाने के लिए बोलते थे ना, तो अच्छा लगता था। मगर आज जब किसने आके हमसे वही बोला ना, हमारे पास कोई जवाब नहीं था। इस बार तो मैंने भी खूब किए थे, असल भी ठीक हुआ था। आधा वो मंडी के मालिक खा गए, बाकी ब्याज मर्जी से नहीं मजबूरी से मांगे थे हम कर्जा। हम सोचे घड़ा पैर सब लौटा देंगे, मगर ये तो साला दलदल निकला। हम जितना पाव मारते गए ना, उतना ही धसते गए। हमें 2 जन और का पेट भरना है, मगर घर का चूल्हा ठीक से जलता नहीं है, किसी का स्कूल वाला भी कब तक हमें मोहलत देगा। और ये गरीबी कोई हालात थोड़ी है जो बदल जाएगा। पाप हम किए हैं ना, तो सजा भी तो हम ही भुगतेंगे। Oh,
जमीनों को इस सरकार की पॉलिसी से बचाने के लिए था। उनकी इतनी सारी अर्जियों के बाद भी राज्य सरकार ने उनकी सभी मांगों को रद्द कर दिया। छोड़कर ना एक कदम आगे बढ़ाने की।